राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा? दोस्तों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस कथा को अवश्य सुने। हम नहीं जानते झूठ है या सच, लेकिन बहुत भावुक और रोचक। रामू अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनाऊ सोई। भावार्थ, श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा सुना था वही आपको सुनाना है और वही आप सुने। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला, जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने की कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय को तो कुछ देर में मरने ही वाली है तथा कीचड़ में जाने से मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा शाप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया, गोशाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया, यह विचार कर कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेके आती हूँ। पत्नी ने जब उनसे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो तो भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा वृतांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाया और समस्या बताई और गोशाप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखों पर लगाए तो गोशाप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आँखों की रोशनी पुनः लौट आएगी। राजा ने पहले अपने महल के अंदर रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाले जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उनसे भी पूछोगे तो उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या राजा सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ राजा जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला को पूर्ण राज्य ठाठ बाट के सम्मान के साथ बुलाया और उसको समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलने लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नरनारी यह दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफ़ी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछ लिया। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा,
यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संघान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वरले अयोध्या नरेश को राजा जनक का ने निमंत्रण नहीं भेजा था। किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुँच ही गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सीता को वर लिया। धन्यवाद।